सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि आपने अपनी आदतें बदल ली तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होता रहेगा जो हमेशा से होता आया है। तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, दुआ है वह खुशियां आपके कदमों में हो। खुदा आपको वह सब हकीकत में दे जो कुछ आपके सपने में हो। आज का पंचांग 3 मार्च 2020, दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 1:50 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 10:32 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:07 से 4:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 11:03 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 3 मार्च 2020, दिन मंगलवार, आपका रोमांटिक पार्टनर अभी आपका ध्यान खुद पर आकर्षित करना चाहता है। रोमांस के लिए समय निकालें। अपनी समझदारी और रचनात्मकता के कारण काम में आपको इनाम मिलेगा। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे आपको नोटिस कर रहे हैं। आपके नेतृत्व के गुण अभी मांग में हैं। आज आपके सितारे आपको अनंत संभावनाएं प्रदान करेंगे। अधिक संवेदनशील होने की वजह से आप निराश हो सकते हैं। गलतफहमी दूर करनी है तो अपने मनोभाव व्यक्त करें। जीवन आपको वो सुनहरे मौके दे रहा है, उन्हें दोनों हाथों से बटोरें। जीतने वाले लोग अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। आपका पराक्रम बढ़ेगा, मन उत्साहित रहेगा, यात्रा लाभदायी रहेगी। परिवार के साथ भी यात्रा का योग बन रहा है। पिता और राज्य अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके पूरे करियर की दिशा ईश्वर से परिवर्तित हो सकती है। यह परियोजना विदेश से संबंधित भी हो सकती है। अच्छा, आपको अपने भीतर शक्ति पर भरोसा करना होगा। कुछ लोग आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। आपकी रचनात्मकता बहुत अच्छी रह सकती है। अगर आप अपनी योजनाओं पर काम शुरू करेंगे तो आपके सारे शिकायतें खत्म हो जाएगी। नए व्यापारिक सौदे और मीटिंग हो सकती है। आप अगर कुछ नए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा गंभीरता के साथ विचार और विमर्श करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। शाम के बाद समय काफी अच्छा रहेगा। सावधानियां, नए कार्यों में हाथ डालने के लिए बिल्कुल ही अच्छा समय नहीं है। इस दौरान आपके कामों में रुकावटें आएगी, लेकिन धैर्य से काम करना बेहतर होगा। स्वभाव में गुस्सा और घमंड की वृद्धि हो सकती है। शादीशुदा लोगों को आपसे टकराव होने से अलगाव की संभावना बन रही है। लव लाइफ की बात करें तो आपके सितारे बता रहे हैं कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लिए डिवाइन लव की तरह है, जिसमें आपको पूरा आनंद आ रहा है। इस खेल को रोमांचकारी और उत्साहित बनाने के लिए अपने कूटनीतिक और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। नए रिश्ते में थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ें। आपके जीवन का यह नया चरण उत्तेजना और चाहत का संकेत दे रहा है। जीवन में मिलने वाले सुनहरे मौकों को हासिल कर लें, इससे पहले कि यह मौके आपके हाथ से छूट जाए। बस काम वासना और आवेग की अधिकता से बचें। करियर की बात करें तो आज आप कुछ खुफिया योजनाएं बना सकती हैं जो भविष्य में काम आएगी।
अपनी रचनात्मकता और संघर्ष भरे स्वभाव से आप किसी को भी आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। आज पेशवर कठिनाइयों को भूलकर नए अवसरों का फायदा उठाएं। आज आपके दरवाजे पर कई मौके दस्तक दे रहे हैं। आज आपकी वित्तीय समृद्धि मिलने की भी संभावना है। अगर आप व्यापारी हैं तो सितारों के अनुसार आज आपको लाभ होगा। आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। याद रखें, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन अधिक धन होना अच्छाई का प्रमाण पत्र नहीं है। सेहत की बात करें तो आज आप सिर दर्द की समस्या से बहुत परेशान हो सकते हैं। ध्यान रखें, आज का उपाय, आज आप शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।